ओम शांति। कुमार तो महावीर है ना, महावीर कुमारों की आवाज बुलंद। आज की आपकी क्लास का जो विषय है, जैसे ही मैं आकर बैठी तो एक बात स्ट्राइक हुई, बाबा के उन बच्चों को जो कि साकार रूप के बाद पैदा हुए, उनको एक जबरदस्त लिफ्ट है, लास्ट सो फास्ट का ना वरदान है। जो आप सबको लिफ्ट उपलब्ध है वो है अव्यक्त पालना, वो है अव्यक्त पालना। आप सबने बाबा को अपना माँ, पिता, शिक्षक, गुरु, सखा, साथी, सब कुछ बनाया है। बाबा की जब पधरामणी होती है, आपने बाबा को अव्यक्त रूप से ही देखा है, अव्यक्त रूप से ही आपने पालना ली है। वो मेरा माँ है, पिता है, ये सब जो सर्व संबंध है, उनका अनुभव आपने अव्यक्त रूप से ही लिया है। तो एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप सबको ये अनुभव है कि शिव बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है? जिनको ये अनुभव है वो हाथ खड़ा, मेजॉरिटी को है लेकिन कुछ के हाथ नीचे हैं, और शायद अगर वो पुरुषार्थ करेंगे तो वे भी अनुभव पा लेंगे, क्योंकि जिन्होंने साकार रूप को देखा वो साकार रूप से आइडेंटिफाई करते हैं हमेशा। आपने देखा ही है बाबा का अव्यक्त रूप, संपूर्ण स्वरूप, और कैसे बाबा हम बच्चों से मिलते हैं, मुरली सुनाते हैं, बाप रूप से मिलते हैं, टीचर रूप से मुरली चलाते हैं, सद्गुरु रूप से श्रीमत देते हैं, वरदान देते हैं, फ्रेंड के रूप से हंसी की बात भी कहते हैं, और साथी के रूप से वायदा देते हैं कि मैं सदा तुम्हारे साथ। बाबा जो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं उसमें कोई कमी है? आपको लगता है कोई कमी है उसमें? ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लगता है? किसको लगता है? कोई कमी नजर नहीं आती बाबा के पार्ट में। अब आ जाओ, ये बॉल हमारे कोर्ट में, अब हमारे पार्ट में कुछ कमी है? बाबा को जैसा हमने देखा, बाबा से जैसे हमने पालना ली, तो रिटर्न में हमारे पार्ट में कमी है या नहीं है? है ना, दूरी है ना। तो बाबा सब प्रकार से हम बच्चों को पालना दे रहे हैं। हम बच्चे थोड़ा सा दूर, ब्रह्मा बाबा कुमारों को इतना प्यार करते थे। आप देखो, अगर हमें, ये फिर सवाल पूछती हूँ, क्या हमें ये पक्का अनुभव और निश्चय है कि यही ब्रह्मा है? है? तो इसमें सबके हाथ ऊपर, ये सबको पक्का निश्चय, किसी को थोड़ा बहुत कुछ कमी हो भर लेना, लेकिन हम सबको ये निश्चय है कि ब्रह्मा है। हम क्या कहलाते हैं? ब्रह्मा कुमार। तो नशा चढ़ता है, नशा चढ़ता है? मैं किसका बेटा हूं, चढ़ता है नशा? आवाज कम है, कम है, मिली जुली आवाज है। ये नशा होना चाहिए, मैं ब्रह्मा का बेटा हूं। अरे वाह, ब्रह्मा वंदे जगत गुरु, शास्त्रों में कहा गया, शंकराचार्य की उपाधि बाद में आई, पहले कौन था?
ब्रह्मा जिसने सारी सृष्टि को ज्ञान दिया, जितना भी प्रकार का ज्ञान है वो ब्रह्मा से ही निस्सृत हुआ, मैं उसका बच्चा हूँ। क्या समझा है? उसका बेटा हूँ, ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा ने जो ज्ञान दिया वो किस लिए दिया? ब्रह्मा ने ज्ञान किस लिए दिया? हाँ बोलो। सुनने के लिए, सुनाने के लिए, किस लिए? हाँ, धारणा के लिए दिया या सिर्फ सुनने सुनाने के लिए दिया? हाँ, धारणा के लिए दिया। क्या बनाना चाहता है ब्रह्मा? ब्रह्मा हम बच्चों को क्या बनाना चाहता है बताओ, थोड़ी ज्ञान की पॉइंट है। ब्रह्मा क्या बनाने चाहता है? विष्णु। क्या बनाना चाहता है? विष्णु। ब्रह्मा सो विष्णु होता है ना। तो बाबा ने ज्ञान दिया किस लिए? हमें विष्णु बना। ब्रह्मा ने ज्ञान दिया नारायण बनाने के लिए नहीं। क्या बनाने के लिए? विष्णु। अब आप कहेंगे बहन जी दोनों में अंतर क्या है? अंतर है नारायण को दो हाथ है, विष्णु को चार हाथ है, है ना? अंतर है ना। नारायण जो है अकेला है, विष्णु जो है कंबाइंड है। तो संगम युग पर सबसे पहले बाबा आकर के हम बच्चों को जो ज्ञान देते हैं उसमें पहला पहला ज्ञान का बिंदु है तुम आत्मा। तो बाबा हमें पुरुष और स्त्री के भान से न्यारा कर। आत्मा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? आत्मा करता है या करती है? अभी बोल रहे हो करता है। करती है। आत्मा सुनती है, आत्मा बोलती है, लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे, वो तो भाषा की बात हो जाती है। लेकिन आत्म स्वरूप में बाबा ने हम बच्चों को दोनों प्रकार के भान से मुक्त कर दिया, जिसका अर्थ है, अब मैं आपको बाबा की प्रैक्टिकल उसमें ले चलती हूँ। जब हैदराबाद सिंध में शिव बाबा का आना जब हुआ, तो ब्रह्मा के मुखारविंद के द्वारा पहला पहला जो ज्ञान दिया वो आत्मा का, क्योंकि देह अभिमान सर्व पापों की जड़ है और देही अभिमानी स्थिति सर्व पुण्यों की जड़ है। तो बाबा ने स्वयं अभ्यास किया, ब्रह्माचारी बाबा ने स्वयं अभ्यास किया। जो बाबा कहता था मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पुट्टू आत्मा है, राधिका आत्मा है, सो एंड सो आत्मा है, ये बाबा को पक्का था। और कम अभ्यास नहीं किया, बहुत। आप सब जानते हो हिस्ट्री में उस समय हमारे यज्ञ में माताएं बहनें ज्यादा थी, भाई तो नहीं थे इतने, थोड़े से थे 5-10 बस, और बहनें जो थी वो ज्यादा थी। अब यज्ञ की कारोबार होती थी, यज्ञ के काम होते थे, तो कभी कभी बहनें कहती थी ना ये भाइयों का काम है। आजकल तो बहनें बोल देती है ना, उन दिनों में बाबा कहता था नहीं बच्चे, अपने विष्णु स्वरूप को इमर्ज करो। और आप जानते हैं बाबा ने दादियों को जब एक्सरसाइज पे ले जाते थे तो ड्रेस भी बदल दी थी। देखिए ना, अपने एक्सरसाइज पर जब बाबा ले जाता है तो क्या ड्रेस पहना देता था, भान न रहे मैं स्त्री हूं, बिल्कुल भान न रहे। अभी अनाज उठाना है, अभी तो कहेंगे भी भाइयों को बुलाओ, उस समय थोड़ी था। बाबा कहता था तुमको ही करना है बच्चे, अपने उस स्वरूप को इमर्ज करो,
आपको पता है बाबा ने दादियों को सब प्रकार के कार्य सिखलाए, बिजली की तारें फिट करना ये हमारी रतनमणि दादी करती थी। गुलजार दादी साइकिल ठीक करती थी, साइकिल होती है ना, दादी अभी भी कहती है मेरे को सारी साइकिल खोल के दे दो मैं जोड़ दूंगी। और हमारी निर्मल शांता दादी ड्राइव करती थी और गाड़ी ठीक करती थी, मोटर मैकेनिक। तो सबको बाबा ने सब प्रकार के ये क्यों सिखाया, ताकि हम दो बातों से, एक अपने अंदर से वो कॉन्शियसनेस निकल जाए, और दूसरा बाबा चाहता था कि हमारे अंदर दोनों प्रकार के संस्कार होने चाहिए। तो दोनों प्रकार के जब संस्कार होते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि मेरी होलिस्टिक पर्सनालिटी है और प्रॉब्लम नहीं आती है किसी भी प्रकार की, कभी भी नहीं आती है। दोनों हाथों से हम काम करते हैं। कई बार कुमार लोग कहते हैं, जो माया आती है ना सामने कुमारों के, तो कई बार कहते हैं, क्या कहते हैं, बहन जी सारी उम्र हम खाना ही बनाते रहेंगे, सारी उम्र हम कपड़े ही धोते रहेंगे। अब कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए नौकरानी चाहिए, संकल्प आता ना जब शादी का, तो किस लिए आता है, इसीलिए आता है ना। मैं कहती हूँ एक रख लो, अगर नहीं करना तो एक रख लो, कोई मेड रख लो वो कर देगा। मैं एक गले में बंधन बांधूं, ढोल लगाऊं और सारी उम्र इसे पीटूं, वो अच्छा है या थोड़े से पैसे देकर के मेड रख लिया वो कर देगा काम। ये बात एक किनारे में मैं रखती हूँ। कभी कभी हंसी में हमारे ब्रजुन भाई कहा करते हैं कुमारों को, कुमार जब कहते हैं सारी उम्र हम रोटी ही बनाएंगे, भाई सब कहते नहीं कभी परौंठे बनाओ, कभी पूरी बनाओ, कभी पुलाव बनाओ, रोटी क्यों बनाओ, ऐसी क्या बात है। और सब कुछ सीख भी लेती, ये कोई बड़ी बात आज के दिन में नहीं रह गई है। मैं समझती हूँ आज की डेट में, एक समय था ये मुश्किल बात लगती थी, लेकिन आज की डेट में बदलते हुए परिवेश में और जैसे अभी संस्कृति में हम लोग रह रहे हैं, बाह्य दुनिया में आपको कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है, आप सब अपने साथ अपना प्रबंध राइस कुकर का रखते हो, उसमें हर प्रकार की चीज आप बना लेते हो, वो कोई कठिन चीज अब नहीं रह गई। एक समय था मुश्किल था, ऐसे भी कुमार मैं जानती हूँ जो आज मधुबन में है, उनके पास कोई चारा नहीं था तो साल भर भी उसने चने खा करके और पानी पी करके अपने आप को चलाया। वो कुमार यहाँ पर है। तो मैं इस चीज को बहुत बड़ी बात नहीं मानती हूँ, आज के जमाने में थी लेकिन अब इतिहास बदल गया है और हम लोग भी थोड़े से परिवर्तन में आ गए हैं, चीजें फैसिलिटीज भी मिल गई हैं, तो अब हमको ये चीजें बड़ी नहीं लगती। हमारे सारे विदेशी देखिए, सारे विदेशी अपने आप ही सब कुछ करते हैं, तो वो कोई बड़ी बातें अब नहीं है। लेकिन जब मैं ब्रह्माचारी की बात कहती हूँ, अव्यक्त पालना जो हम ले रहे हैं और उससे हमने अपना स्वरूप ब्रह्माचारी का प्रैक्टिकल बनाना है, तो ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के आचरण को फॉलो करने वाले। हम लोग शुरू में एक प्रश्न पूछा करते थे, हमको निराकार से क्या वर्षा मिलता है और साकार से क्या वर्षा मिलता है। निराकार से हमको वर्षा मिलता है चित्र और साकार से मिलता है चरित्र। तो ब्रह्मा बाबा ने जिस दिन से शिव बाबा को पहचाना, उस दिन से बाबा ने ये आत्मा 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 ये पाठ बाबा ने रग रग में अपने बसा लिया। इसलिए जब बाबा ने पक्का किया
और ओम की ध्वनि लगाते थे, उस समय कई आत्माएं ट्रांस में चली जाती, कई चली जाती। अब आप लोगों को ये नहीं करना है कि आप ओम की ध्वनि लगाओ तो हम ट्रांस में जाएं, साक्षात्कार करें, नहीं। वो समय शिव बाबा का कार्य थे ना, तो आत्मा का ये जो पाठ था ये हमें आज की डेट में पक्का था। ये हमारा फर्स्ट और लास्ट लेसन, आत्मा आत्मा आत्मा, मैं भी आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये है। इसको करते हो आप लोग कम। अब आत्मा हूं तो कैसी आत्मा हूं? फिर कई कुमार नशे में चढ़ जाते हैं ना, तो एक दूसरे को दृष्टि देते रहेंगे। ऐसा नशा भी नहीं चाहिए, समझदार बनना है ना, बैलेंस वाला। मैं आत्मा हूं ये समझना है, मैं आत्मा हूं ऐसा समझ करके हमको कार्य करना है, सेवा करनी है। लेकिन साथ साथ ये याद रखो, मैं कौन सी आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं, बोलो। जो आत्मा के स्वमान है, जो आत्मा के गुण है, उनको स्मृति में, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं स्वराज अधिकारी हूं, मैं अधीन आत्मा नहीं हूं, अधिकारी हूं। कौन सी आत्मा हूं? जो विश्व पर राज्य करने वाली हूं, विश्व महाराजन बनने वाली हूं, वो ना, या प्रजा में आने वाले हो, प्रजा में आने वाले बैठे हैं? कोई कोई नहीं है प्रजा में आने वाले, यहां नहीं बैठते, वो बाहर होते हैं। मैं राजयोगी क्या सीख रहा हूं? राजयोग में कौन सी आत्मा हो? अधिकारी आत्मा। जैसे कुमारों को नशा होता है ना कि मेरे पिता का ये वर्षा है, ऐसे मैं पूरा वर्षा बाबा से लेके छोड़ूंगा। ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का पूरा वर्षा लिया, बाप रूप से लिया, टीचर रूप से लिया, सदगुरु रूप से लिया। आज ये मेरा क्लास नहीं है, लेकिन आप लोग इसके ऊपर मनन चिंतन करना। बाप रूप का वर्षा ब्रह्मा का कौन सा है, टीचर के रूप से कौन सा है, सदगुरु के रूप से कौन सा है, सखा के रूप से कौन सा है? मुफ्त में थोड़ी हम अपने सर्व संबंध निभाते हैं ब्रह्मा बाबा के साथ, शिव बाबा के वर्षा मिलता है। तो ये दृढ़ संकल्प जो ब्रह्मा बाबा को दृढ़ निश्चय था, ब्रह्माचारी अर्थात दृढ़ संकल्पी दृढ़ निश्चय बुद्धि, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति प्रतिकूल हो या अनुकूल, बाबा का निश्चय कभी नहीं हिला। पता है ना यज्ञ में कितने तूफान आए, कितना झाड़ हिला, कई पत्ते गए। जो बाबा मुरली में कहता है, जो डायरेक्शन ले आते थे मम्मा बाबा के लिए वो भी गए, तो भी ब्रह्मा बाबा हिला हिला। कभी कभी बाबा मुरली में कहता है ना, कई अच्छे अच्छे बच्चे चले गए, कहता है ना, फिर क्या कहता है तुरंत? ड्रामा। अब क्यों चले गए? कोई कारण होता है ना, ऐसे थोड़ी कोई चला जाता है। जानकी दादी नहीं चली गई, गुलजार दादी नहीं चली गई, गुलजार दादी तो इतनी सी आई थी, ये नहीं गए, दूसरे गए, तो जरूर कोई कई कमजोरियों का कारण होगा ना, श्रीमत का पालन नहीं किया होगा, कुछ तो किया होगा ना, ऐसे थोड़ी किसी के पांव खिसक जाते हैं। तो ब्रह्माचारी अर्थात, मैं अगर ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या बताऊं आपको, तो सवेरे सवेरे बाबा उठता था, और पक्का ये नहीं शिव बाबा मेरे रथ में आता है तो मैं कोई महान बन गया। या तो किसी को थोड़ी सी पोजीशन मिलती है, थोड़ी सी वाक शक्ति अच्छी होती है, थोड़ा सा क्लास में मॉनिटर बना देते तो नशा चढ़ जाता है,
ब्रह्मा बाबा को कोई नशा नहीं चढ़ा। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को ऐसे देखता था जैसे कि कोई टीचर और स्टूडेंट। श्रीमद् बाबा ने कहा, आपको मैं बताती हूँ, इतिहास में शुरू शुरू में कोई ब्रह्मा बाबा का नाम डिक्लेयर तो नहीं था, वो तो बाद में अलमाइटी बाबा की पधरामणी हुई, लोग यही समझते थे ब्रह्मा ही सब कुछ है, ये दादा ही सब कुछ है, दादा। लेकिन ये दादा ब्रह्मा है ये भी अलमाइटी बाबा की पधरामणी किसी बहन के तन में हुई थी और तब ये राज क्लियर किया गया था। ये ब्रह्मा है, यज्ञ पिता है, वो यज्ञ माता है सरस्वती, राज तब खोला, पहले थोड़ी। लेकिन अलमाइटी बाबा का जो डायरेक्शन होता था, ब्रह्मा बाबा उसको ऐसे फॉलो करता था जैसे कि शिव बाबा सतगुरु है, और सतगुरु है, टीचर है, परम पिता है, और जरा भी उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक बार की बात मैं बताती हूँ, मैं बाबा के साथ बैठी हूँ, भोग लगता है ना, हम लोग सेंटर्स पर भोग लगाते हैं ना, तो देखो कैसे भोग लगाते हैं, हर एक की अपनी भावना है। लेकिन भोग किसको लगा रहे हैं, किसको लगा रहे हैं बोलो? शिव बाबा। दुनिया में तो कहते हैं अरे भाई मंदिर में वो प्रसाद चढ़ाना है, कोई वो दे दो, जैसा तैसा फल खरीद के ले जाते हैं, जैसी तैसी चीज ले आते हैं। लेकिन नहीं, हमको डायरेक्ट भोग लगाने का अवसर कब मिलता है? संगम पर। भक्ति में तो वैसे ही लगाया, संगम पर मिलता है। तो मैं कैसे लेकर के जाती हूँ भोग के लिए फल, अपने लिए बढ़िया फल और भोग के लिए सस्ता फल? मैं बोल, अब चेक कर लेना अपने आप को। नहीं, बाबा की थाली में जाता है तो कैसा होना चाहिए? बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, ए क्वालिटी। बाबा को लगाते हैं ना शिव बाबा, और शिव बाबा कोई फलों का भूखा नहीं है, शिव बाबा भावना का भूखा है, आपके प्यार का भूखा है। तो बाबा के साथ में बैठी थी, मैं तो बहुत छोटी थी, तो भोली दादी मालपुड़े होते हैं ना उस दिन बनने थे, वो बाबा से पहले सैंपल पास कराती थी कि कितना बड़ा होगा, कितना पका हुआ होगा, कलर कैसा होगा, ये सब पास कराती। तब लेके आई और बाबा को दिखाया, बाबा ने पास किया, बच्ची ये ठीक। आज जब हम उस चीज को याद करते हैं तो आता है कि देखो ब्रह्मा बाबा कितना ध्यान रखते थे कि शिव बाबा को भोग स्वीकार कराया जा रहा है तो कैसे बेस्ट से बेस्ट स्वरूप उस चीज का होना चाहिए। कभी बाबा ने सवेरे शिव बाबा के साथ रू रूहान मिस नहीं की। शिव बाबा को याद करता था, जगदीश भाई अपना अनुभव लिखते हैं कहीं पर, कहते हैं कि जब देखो बाबा के कमरे की लाइट जग रही होती थी, बाबा निद्रा जीत था, जब देखो बाबा के कमरे की लाइट, लाल लाइट ऑन। कहते मैं हमेशा सोचता था कि आज मैं बाबा के पहले उठूंगा, लेकिन जब मैं देखूं तो लाल लाइट जग रही। तो ब्रह्मा बाबा जागती ज्योत। अभी अगर मैं हाथ उठवाऊं, हम में से कितने कुमार हैं जो रेगुलर अमृत वेला करते, हाथ तो उठाओ, शायद 20%। आपका अव्यक्त रूप की पालना का रिटर्न क्या है? ये पहला पॉइंट है दिनचर्या का, अमृत वेला। प्यारे कुमारों, आप तो सब मेरे से छोटे हो बहुत, आप अपनी फाउंडेशन दिन की इसको मजबूत करो। ब्रह्मा बाबा से प्यार है ना, है ना, सबका प्यार है ना, तो जिससे प्यार होता है क्या किया जाता है?
जो उसको पसंद हो वो काम किया जाता है ना। बाबा से हमारा प्यार है तो बाबा को क्या पसंद है? मेरे बच्चे अमृत वेले मुझे मिले तो सही। वो बैठ के आपका आवाहन करता है, पिता हम बच्चों का आवाहन करता है और हम बच्चे बिस्तर पर सोए रहते हैं, शक्ति कैसे मिलेगी? बाबा कहते हैं मैं चलते फिरते सारा दिन तो मैं बहुत बिजी हो जाता हूँ, मॉर्निंग टाइम सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है। और कहीं भी कुछ भी मुझसे कराना चाहो ना, अमृत वेले करवा दो, मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। बाबा पालना करता है ना अमृत वेले वतन में, आपका दिल नहीं करता हम उस पालना का रिटर्न दें बाबा को? अमृत वेले अगर हम सब संगठित रूप में देखो, एक दिन होता है लाल किले पर, एक दिन था, हम सब इकट्ठे हो गए ना 5 बजे, क्या मुश्किल है? और फिर कुमारों के लिए तो मैं समझती हूँ कुछ भी मुश्किल नहीं होता। कुमार अगर चाहे एक संकल्प कुमार करे ना संगठित रूप से, कुमार तहलका मचा सकते हैं, एक दिन में स्वर्ग आ सकता है। लेकिन स्वर्ग तब आएगा जब संगठित रूप से करोगे। हाँ अभी बताओ, अभी मैं एक एक बात कंफर्म करती जा रही हूँ। अमृत वेला प्यार से करोगे? अगर अनुभव नहीं होता ना तो पूछो, टीचर से पूछो, क्योंकि जब आपको टेस्ट पड़ जाएगा ना अमृत वेले का, फिर आप मिस नहीं करोगे, दौड़े दौड़े। एक भाई अपना अनुभव सुना रहे थे, कहते जिस दिन से दीदी जन्म लिया उस दिन से लेकर के आज दिन तक कभी भी अमृत वेला मिस नहीं किया। कहते मैं अमृत वेले का इंतजार करता हूं, कब अमृत वेला हो और मैं बाबा से मुलाकात ऐसे बैठ गई, होना तो ये चाहिए ना। तो ये हो सकता है थोड़ा व्हाट्सएप, थोड़ा फेसबुक, उसमें से टाइम काट देना थोड़ा सा, वो काट करके वो टाइम बाबा को दे दो। हो सकता है कुमारों, हो सकता है इस भट्टी से ये परिवर्तन करेंगे अमृत वेले का। फिर अगले वर्ष जब आप इकट्ठे होंगे तो सबके हाथ ऊपर होंगे पक्का। जो बच्चे फाइनल कहते हैं कि हाँ इस भट्टी से जाने के बाद हम अमृत वेला मिस नहीं किया करेंगे, कुछ भी करके समय निकालेंगे, वो दृढ़ संकल्प वाले बच्चे हाथ खड़े करो। अच्छा भाई तो कैमरा ले लो भाई, हाँ पक्का, किसके हाथ नीचे उसका स्पेशल कैमरा लेना। हाँ ओके वेरी गुड, थैंक यू, ये जरूर करना। हाँ एक बार, अब दूसरा आत्मिक दृष्टि। आत्मिक दृष्टि में कई दृष्टिकोण है, आप एक ही दृष्टिकोण अपने उसमें लो, कल्याण का भाव और सब अपने हैं, ठीक है, सब अपने हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, अपने हैं, ये हो सकता है। अभी तो हमको दिखाई देता है, अच्छा ये मेरे लेग पुलिंग करता है, ये मेरा ये करता है, तो अभी तो दूरी होती है ना। लेकिन आत्मिक दृष्टि में सब बाबा के बच्चे हैं और सब सब के प्रति कल्याण का भाव, इतना ही करो। स्वराज अधिकारी हूं, कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण। तीसरी बात, बाबा सवेरे सवेरे उठ करके क्या करता था? मुरली लिखता, लिखत का काम करता था या मनन चिंतन करता था। कभी कभी हमने तो नहीं वो अनुभव पाया, लेकिन हमारी जो बड़ी दादियां हैं, दीदियां हैं, वो कहती थी कभी हम बाबा के रूम में जाते थे सवेरे सवेरे, बाबा एकदम मनन चिंतन में खोए हुए होते थे, कोई गुड मॉर्निंग भी करता था तो बाबा कहते थे बच्ची तुमने डिस्टर्ब कर दिया। इतना ज्ञान सागर के उसमें हम खो जाए। मुरली, बाबा ने कभी भी, हम कितने नशे से सुनाते हैं कि बाबा ने कभी भी मुरली मिस नहीं की,
व्रत। हम ब्रह्मा कुमारों का क्या हाल है? हमारी मुरली में सोती है, मुस्कुरा रहे हैं कुछ कुछ, तो मैं समझ रही हूँ दाल में काला है। हाँ, मुरली मिस होती है। जो कुमार बिल्कुल मुरली मिस नहीं करते वो हाथ खड़े कर। मेजॉरिटी के हैं, कुछ के नहीं है। अब आजकल एक नई बीमारी है, ये माया है आपके लिए। बहन जी, हम मोबाइल पर मुरली पढ़ लेते हैं। हाँ, और कहाँ पे आती है मुरली भाई? हाँ, इंटरनेट पर। अब मुझे बताओ, आप गॉडली स्टूडेंट हो या इंटरनेट के स्टूडेंट हो? किसके स्टूडेंट हो बोलो? गॉडली। गॉडली माना जहां आपको एटमॉस्फेयर गॉडली मिले। इंटरनेट पे कौन सा एटमॉस्फेयर मिलेगा? आधा सुनोगे, आधा पढ़ोगे, आधा कोई और काम आ जाएगा तो वो काम होगा। टीवी पर कुछ और आ जाएगा तो कुछ और, टीवी देखते देखते कुछ और आ जाएगा तो उसमें व्यस्त हो जाओगे, तो खुराक तो पूरी खाई नहीं। एक दिन शायद ऐसा भी हो जाए भाई, पता नहीं, शायद इंटरनेट पे भोग भी लग जाए। शायद इंटरनेट आपको टोली भी खिला दे। टोली आपको कौन खिलाता है? सेंटर पर मिलती है ना, भोग कहाँ मिलता है? ले लो इंटरनेट से। नहीं मिलेगा ना। फिर आपको कंपनी कहाँ मिलती है? फिर आपको वहां पर अपने ब्राह्मण परिवार की मुस्कुराहट दिव्यता कहाँ मिलती है? है इंटरनेट पे। बोलो, सब मिस हो जाता है ना। तो ब्रह्मा बाबा क्या करता था? आप देखो, ब्रह्मा बाबा जब से बाबा ने अडॉप्ट किया तब से लेके लास्ट डे तक क्या कभी बुखार नहीं चढ़ा होगा? क्या कभी उसको तकलीफ नहीं हुई होगी? होती होगी ना। लेकिन कभी ब्रह्मा बाबा ने मिस किया? नहीं, क्लास में जाता। लास्ट डे क्या बोला दादी को? मैं आज सवेरे क्लास में नहीं गया हूं, बेल बजाओ, मैं जल्दी क्लास में जाना चाहता हूं। क्लास, मुरली, एक दिन भी मिस नहीं करना, फिर स्थान पर करना, ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। फिर उसके साथ साथ बाबा एक एक चीज की संभाल करता था। इकोनॉमी और एक नामी ऐसे नहीं उठा के फेंक दिया, जो आया सो कर लिया, नहीं, व्यवस्था, एक्यूरेसी, अलर्टनेस, सब बाबा के संस्कार थे। क्षमा भाव, क्षमा कर देना, फिर कभी उस आत्मा को याद भी नहीं कराता था कि तुमने ये भूल की थी, कभी नहीं। और सदा शिव बाबा को याद कर, कभी अपने आप को बाबा ने, बाबा में क्या नहीं था, शिव बाबा था, गोत्री में लाल था, तो भी बाबा ब्रह्मा को कभी ये नहीं आता था मैं कुछ हूं। बाबा को रिसीव करने जाते थे ना स्टेशन पर, सी ऑफ करने जाते थे, माला वगैरह ले जाते थे, बाबा कहता था नहीं। बाबा अपना सब कुछ जमा करता था। जमा करना समझते हो? आज अगर हमको सेंटर पर, प्रैक्टिकल बात बताती हूँ, सेंटर पर कोई प्रोग्राम होता है, दीदी गलती से आपने बहुत मेहनत की है, अब आपकी दीदी आपका नाम बोलना भूल जाती है, अब बताओ क्या होता है? रूठते भी हैं, क्लास से उठ के चले भी जाते हैं। अरे भाई कहाँ चला गया? नहीं दीदी, मेरे को कुछ काम पड़ गया था। काम क्या पड़ गया था? अंदर में फीलिंग आई थी। ब्रह्मा बाबा को फीलिंग आई जब सब सिंधु में छप गया, पता है आपको, छप गया कि इसको 108 रानी, 16,108 रानियां चली, ये अमेरिका में चला गया। बाबा को फीलिंग आई। इतना बड़ा हापुड़ का हंगामा हुआ, बाबा कहता था नहीं, जो शत्रु है उसको भी मिलो, उसको भी ठंडा करो, हमारी इंटेंशन साफ। ब्रह्मा बाबा जीते जागते हमें सत्यम शिवम सुंदरम नजर आता, सत्यता, सच्चाई, दिल की
सच्चाई है सर। शिवम कल्याणकारी। पता नहीं कहां मैं सुना रही थी कल, एक बार एक भाई था, वो बहनों को थोड़ा सा तंग करता था, सर्विसेबल था लेकिन थोड़ा नशा भी रखता था, तो बहनों को तंग भी करता था। तो पार्टी मधुबन आनी थी, बहनें चाहती थी ये हमारी पार्टी में ना चले, और वो उसको पता लग गया, वो कहे मैं तो जाऊंगा तो उस पार्टी में जाऊंगा। होते हैं ना कहीं, आप लोगों में भी होंगे तो? थोड़े बहुत मैं जाऊंगा तो उसी में जाऊंगा, ठीक है चलेंगे। जब यहां मधुबन में आए, बाबा की आप देखना उदारता, मधुबन में आए तो एक ये नियम होता था कि बाबा से मिल पार्टी को मिलाने के लिए बहने ना अपॉइंटमेंट लेके आती थी बाबा से, बाबा पार्टी आई है आप कब मिलेंगे। तो बहन गई बाबा के कमरे में, टाइम लेके आई, टाइम लेके आई तो जैसे बाबा के कमरे से बाहर निकल रही थी, आजकल तो रूप बदल गया है, पीछे से नहीं तो निकलते थे, गली होती थी तो पीछे प्रेस की जगह होती थी पांडव भवन में, तो वो निकल रही थी, उसने देखा सामने से वो भाई आ रहा है, तो उसने कहा ये फिर कोई क्वेश्चन ना करे, तो बहन ने घबरा के अपना रास्ता चेंज कर लिया, पीछे की साइड से बाहर चली गई। इस भाई को लगा ये जरूर ये जो बहन है मेरी शिकायत बाबा को करके आई है, इसीलिए मेरे सामने नहीं पड़ी, नहीं तो मेरे सामने आती ना। वो गया बाबा के पास, बाबा के आगे बैठ के अपना पूरा वर्णन किया, बाबा मैं बहुत बहनों को सताता हूँ, मैं बहुत ऐसा करता हूँ, बहुत ये करता हूँ, बाबा मैं क्या करूँ, मेरा संस्कार है, आपको बहन ने सब कुछ बता दिया होगा। बाबा कहे मुझे तो कुछ नहीं बताया बच्चे, हाँ। और वो रोता जाए रोता जाए, और बाबा क्या कहता है, बाबा कहता नहीं बच्चे तेरे जैसा सर्विसेबल कोई नहीं है। और सच में वो कहे नहीं बाबा नहीं, बाबा ने ये वरदान उसको इतने कल्याण भाव से दिया कि उसका जीवन बदल गया और सच में वो सर्विसेबल बन गया। अब ये कैसे हुआ, एक बार के कहने से थोड़ी होता है, लेकिन जब हमारी लाइफ में टोटल कल्याणकारी भाव होता है, टोटल सबके लिए शुभ भाव होता है, टोटल अपनत्व का भाव होता है, तो परिवर्तन की हुई तपस्या काम आती। तो बाबा का जीवन त्यागी भी था, माताएं बहुत सुंदर सुंदर शॉल हाथ से बुन के लाती थी, बहुत सुंदर सुंदर स्वेटर हाथ से बुन के लाती थी, बाबा पता है कभी नहीं स्वीकार करता था। बाबा कहता था आदम्बू, एक बार पहन करके माताओं को खुश कर देता था, फिर कहता था लच्छू इसको रख दो, फलाना बच्चा आएगा ना उसको दे। बाबा खुद सिंपल रहे, अपने ऊपर खर्चा करने नहीं देता था, सब बच्चों के लिए। चतुर भी था, चतुर भी था, और कितनी पालना करता था। भी टाइम नहीं है तो मैं आपको स्टोरी सुनाऊं कितनी बाबा हमारी पालना करता था। ये शिव बाबा के बच्चे हैं, एक एक का गुण देख करके उसको वैसी ड्यूटी देता था। कभी बाबा ने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, कभी नहीं किया। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, हम करते हैं हमारी कोई निंदा करे तो हम उसकी 10 बातें कहते हैं, ठीक है इसने बोला मैं इसकी 10 बातें खोलूंगा, मुझे भी पता है सब। बाबा नहीं, निंदक को गले लगाना जो गीत बोलता है ना वो सच्ची बात है, सच्ची बातें हैं। और हंसना हर चीज, एक एक पल एक एक क्षण एक एक कर्ण बाबा की सेवा में, ईश्वरी सेवा में लगे। ऑलराउंडर था। आजकल तो फल विभाग बड़ा है हमारे घर में, उन दिनों में एक अलमारी होती थी बाबा के कमरे में, पीछे एक अलमारी होती थी, बाबा रोज जाता था, रोज एक एक फल को देखता था, जो आम पक गया है उसको दूसरी लाइन में रखता था, कच्चे को अलग रखता था, जिसको आज यूज करना वो अलग रखता था, सब बाबा करता था।
इकोनॉमी का अवतार, एक नामी और इकोनॉमी, हर बात में रूहानियत रूहानियत। आजकल हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के गीत गा लेते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के बातें कह लेते हैं बाबा के सामने। ब्रह्मचारी अर्थात त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी और ट्रस्ट, श्रीमत का पालन करने वाला। मुझे पता है भाई बहने बोलते हैं, अरे दीदी को क्या पता लगेगा, आधा ऐसा कर लो आधा ऐसे, दीदी को क्या, सच में दीदी को क्या पता होगा, उसको तो पता होता है ना। छिपाने के संस्कार, ये बाबा को प्रिय। बाबा सर्वात्माओं के प्रति पवित्रता के व्रत को, बाबा के सामने कोई जाता था ना और जरा भी बॉडी कॉन्शियसनेस होती थी ना तो बाबा कहता था बदबू आती। अगर मानो कोई का कोई कुमारी के साथ में थोड़ा सा लगाव झुकाव होता था ना और वो बाबा के सामने आते थे, बाबा कहते थे बदबू आती, बाबा मिलना पसंद नहीं करता। पवित्रता बाबा को इतनी प्रिय थी, वाइब्रेशन आते हैं ना बाबा को। तो अपनी पवित्रता के व्रत को, ब्रह्मचर्य के व्रत को, जिस आधार से हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनते हैं, इसको कभी नहीं लूज करना। ये हमारा आधार फाउंडेशन है जिसके लिए मीठे प्यारे भाइयों, आपका पता नहीं आप क्या करते हो क्या नहीं, लेकिन जो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें मोबाइल पर या इंटरनेट पर देखते हो सब कट कर, या आपको बाबा से दूर कर देगा, बाबा का प्यार लेने नहीं देगा, ये रावण है। माया कभी आपको बाबा का बनने नहीं देती है। क्यों? पहले हम माया के मुरीद थे ना, अब हम बाबा के बने, तो उसको लगता है ये मेरे जो ग्राहक हैं, ये इनकी तरफ क्यों चले गए। तो आपको खींचे, भिन्न भिन्न प्रकार से खींचे। ये मैं आपको बाबा की आंखों देखी बातें बता रही हूं। इसलिए अच्छा ब्रह्मचारी कुमार बनना है तो मीठे भाइयों, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, अच्छी बातें सुनो, उठपटांग बातों के लिए कह रही हूं, वो नहीं सुनो, नहीं सुनो। मैं गार्बेज बॉक्स नहीं हूं जिसमें आके आप कुछ भी डाल, और प्लीज ये इंटरेस्ट मत लीजिए कहां पर क्या हो रहा है। मुझे बाबा ने काम दिया है क्या कि तुम पता लगाते रहो कहां पर क्या हो रहा है और उसको ठीक करने की कोशिश को? बाबा ने दिया ये काम नहीं दिया है ना, मैं क्यों जाऊं? हमको बाबा ने कार्य दिया पढ़ने का, हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का काम है पढ़ना, और बातों में मत जाना, आपका ही नुकसान है, जबरदस्त नुकसान है, आपकी सारी पढ़ाई गुल हो जाएगी, बड़ों के प्रति भावना टूट जाएगी। हम आए हैं बाबा से पढ़ने के लिए, हम आए हैं अपना वर्षा लेने के लिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। सतो प्रधान सृष्टि की स्थापना बाबा कर रहा है, मेरा योगदान सतो प्रधान सृष्टि की स्थापना में कितना है मुझे ये देखना है। तो अपने उद्देश्य के प्रति फोकस्ड रहो, कोई भी मायावी बातें आती है ना उनको किनारे करो, अपनी दिनचर्या ऐसे बनाओ जैसे ब्रह्मा बाप की दिनचर्या। आप अपने बड़ों को तो देखो, हमारे निर्वैर भाई हैं, हमारे ब्रजन भाई हैं, आप जरा उनकी दिनचर्या तो देखो, सवेरे 2 बजे उठने वाले, लिखत पढ़त का काम करने वाले, ऐसे ही थोड़े कोई बड़े स्टेटस पर आ जाता। ज्ञान योग में, अपने नियमों में, अपनी धारणाओं में पक्के। माया आएगी आपके सामने,
फ्रेंडशिप के रूप में आएगी। कुमारों की भी फ्रेंडशिप होती है तो कुमारियों और कुमारों की भी होती है। बाबा की परमिशन नहीं है। एक बार कहीं पर कुछ यूथ इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद मॉडर्न यूथ थे, सारे अंग्रेजी फटाफट बोलने वाले मॉडर्न यूथ, और वहां करके गए अपनी रिट्रीट और जा करके एक कफे में बैठ गए। कफे समझते ना, रेस्टोरेंट में बैठ गए। वो फोटो आ गए उनके, अरे तुम कहाँ थे, यहाँ तो तुम रिट्रीट कर रहे हो और वहां जाकर के कैफे में बैठे हो, ये कौन सी लाइफ। ये ब्रह्मा कुमारों की लाइफ नहीं है कि हम कैफे में जाएं। कैफे समझते हैं ना आप लोग, तो होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए। तो अपनी मर्यादाओं के अंदर रह करके अपना जीवन जीना, ये तपस्या है। तपस्या बैठ के साधना करने की चीज नहीं। अपने सर्व नियम और मर्यादाएं, जो आचरण ब्रह्मा बाप का है, उस आचरण को फॉलो करते हुए अपने तपस्वी जीवन में रहना, ये हमारी तपस्या। एक मर्यादा मुझसे भंग ना हो, ये चैलेंज आप अपने आप को दो। एक भी नियम, एक भी मर्यादा आपसे भंग नहीं हो, ऐसे चैलेंज दो ना। छोटे मोटे पटाखे क्या चलाते हो, चलाओ तो जबरदस्त आत्मिक और परमात्मिक बम चलाओ ना। यस, और आपके ऊपर निर्भर है। मैं आपको बताती हूं, आप कुमार, आप संस्था का भविष्य, आप अपने बाबा की यज्ञ को किस रूप में देखना चाहते हो, वो अपने आगे विजन लाओ। बाबा का यज्ञ किस रूप से हम लाए हैं, तूफान से किश्ती निकाल, इस यज्ञ को रखना प्यारे भाइयों, संभाल। ये हमारी दादियों के बोल। आज तो हम बहुत अच्छे स्तर पर हैं, सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों की वाह वाह करती है। उस समय को देखिए जब दादियों को गालियां मिलती थी, बाबा को गालियां मिलती थी, तो भी तपस्या कम नहीं, तपस्या के बल से हम आगे बढ़े। वो दृष्टिकोण अपना अपनाओ। अगर ये लाइफ अपनाई है, अगर इस लाइफ को आप प्यारा समझते हो, तो इस लाइफ को दृढ़ता से और अग्नि ज्वाला रूप से इसको जियो, सारे संसार में पता लगे कि ये वो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जिनके चेहरे से भगवान नजर आता है। ये स्वरूप हमारा बने, हमारा चेहरा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार कराए, मेरा साक्षात्कार कराए तो क्या बड़ी बात, बाबा का साक्षात्कार कराए, ये है तपस्या। इसको अब ओके, मुझे पता नहीं मैंने टॉपिक प्रॉपर कवर किया नहीं किया, लेकिन जो मेरे को इस गद्दी पर बैठ के ख्याल आया, मैंने दिल से ये कहा। मुझे विश्वास है कुमारों में हम सबका बहुत बहुत विश्वास, कुमारों में हम सब की बहुत बहुत भावना है। कई लोग कहते हैं अरे ये बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर है, इनके साथ चलना बड़ा मुश्किल है। स्ट्रिक्ट टीचर सबसे अच्छी टीचर है, आपको टेढ़ेपन से बचाएगी ना। आप अगर कभी हमारी प्रेम बहन, अचल दीदी तो नहीं है, कभी प्रेम बहन देहरादून और पुरानी बहनों से आप अगर अनुभव पूछो, तो क्या बाबा के डायरेक्शन होते थे श्रीमत होते, जिसको पालन करके आज ये मूर्तियां बनी, ठीक है। तो कभी भी स्ट्रिक्ट किस बात में, अगर हम मर्यादा का पालन करते तो वो कोई स्ट्रिक्टनेस है, मर्यादा तो हमारा श्रृंगार है, मर्यादा हमारा श्रृंगार है, मर्यादा हमारी सेफ्टी बेल्ट है। क्यों घबराना, उसको अडॉप्ट करने से हम सदा सेफ रहे, ऊंचाई पे जा रहे हैं ना, ऊंचाइयों पे हम जा रहे हैं ना। जब व्यक्ति आजकल ऊंचाई पे जाता है तो उसको सेफ्टी बेल्ट बांधी जाती है ना, कहीं गिरे तो उसको नुकसान ना हो।
तो हमारी सेफ्टी बेल्ट भी हमारी मर्यादाएं। उनको पालन करना कोई स्ट्रिक्टनेस होती है क्या? बोलो भाइयों, स्ट्रिक्टनेस होती है मर्यादा पालन, नहीं ना? तो अपने आप को ऐसे सनत कुमार, बाल ब्रह्मचारी हो, बाल ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्माचारी ऐसा स्वरूप अपना बनाओ जैसे आकाश में ध्रुव तारा, ऐसा स्वरूप। आपसे 50 लोग प्रेरणा लें ऐसा स्वरूप अपना बनाओ। याद रखना, बाबा ने लीडरशिप क्वालिटी हमें दी है। लीडरशिप क्या है? नेतागिरी नहीं, लीडरशिप है पहले मैं, ये लीडरशिप पहले मैं। कोई भी बात है पहले मैं करूं ताकि मुझे देख और करें, और मुझे बताते आपको खुशी होती है, ये वरदान बाबा ने मुझे पर्सनली दिया था। बच्ची सदा याद रखना कि जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे, मुझे ये बात याद रहती है, बाबा की दी हुई है साकार। ठीक है, आप भी ये लीडरशिप क्वालिटी पहले मैं करूंगा तो मुझे देख करके और करें। ठीक है भाइयों, मैंने अगर कुछ आपको स्ट्रिक्ट बात कही हो तो उसे अपनाना, मैं ये नहीं कहूंगी भूल जाना, मैं कहूंगी उसे अपनाना। ठीक है, ओम शांति।